शान शर्मा, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के दौर में हर कोई कम समय में अधिक तरक्की करना चाहता है, मगर इसका चुनाव आप पर निर्भर है कि वह रास्ता मेहनत का है या अपराध की दुनिया का। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि अपराध का रास्ता आपको कम समय में दे तो बहुत कुछ देता है, लेकिन समय आने पर ये आपसे कई गुना अधिक छीन भी लेता है। आज की हमारी कहानी ऐसी ही घटना पर आधारित है, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अब तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां मैं सत्य घटनाओं पर आधारित आपके बीच लाता रहता हूं, जिससे कि आप सावधान रह सकें। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से मिलकर 6 लड़के नोएडा के सेक्टर 63 में कॉल सेंटर के लिए एक स्पेस रेंट पर लेते हैं और उसमें 12 लड़कियों का स्टाफ हायर करते हैं, और उसके कुछ समय बाद ये इतना धन अर्जित कर लेते हैं कि इनका साधारण जीवन एक आलीशान लाइफस्टाइल में परिवर्तित हो जाता है। और ये सब कैसे संभव होता है, यदि आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल आयुर्वेद की एक सुप्रसिद्ध कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके ये लोग उसमें नकली प्रोडक्ट को डालकर कॉल के माध्यम से ग्राहकों को बेच दिया करते थे, और जब ये अपनी चाल में कामयाब हो जाते थे तो उन्हीं ग्राहकों का कॉल का डाटा इकट्ठा करके उन्हें नौकरी व लोन दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल किया करते थे और उसके एवज में मोटी रकम भी अर्जित कर लिया करते थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी अगली कॉल इनके पैरों तले जमीन को खिसका देगी और इन्हें जेल की काल कोठरी तक ले जाएगी। इस घटना का पूरा खुलासा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौतम बुद्ध नगर पुलिस की पूरी टीम। देखिए, ये जो खुलासा हुआ, इसमें शिकायत मिली थी, एक आदमी ने किया था कि सर मुझे फर्जी लोन देने के लिए और जॉब के लिए कॉल किया गया था, तो उसका लोन भी सैंक्शन किया गया 16 लाख का और उसे 7 लाख रुपए ले भी लिए गए, तो उसी की सूचना पर ये पकड़ा गया था। तो जब हमारी टीम वहाँ पर दबिश डालने गई तो देखा कि यहाँ पर कई लोग काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेंटर चल रहा है, और इनसे बहुत सारा सामान बरामद हुआ जिसमें 18 मोबाइल भी हैं, 2 डेस्कटॉप भी हैं, 4 लैपटॉप भी हैं, पासबुकें हैं, चेकबुक है, और ये एक पंचकर्म नामक आयुर्वेदिक दवा बेचते थे, उसी के माध्यम से कस्टमर को ज़्यादातर फंसाते थे। सर, अब तक कितने लोगों को ये शिकार बना चुके हैं? देखिए, सैकड़ों लोग हैं। अब इसका तो पूरा हम जब इसका करेंगे इनके रजिस्टर से, इनके अकाउंट से, तब पूरा पता चल पाएगा कि इतने लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। सर, कितने पढ़े लिखे थे ये लोग कॉल सेंटर चला के? ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन इनमें जो इनका मास्टरमाइंड है, ये 2 सगे भाई हैं। जो विकास है वो पहले LIC में काम कर चुका है, तो वो लोन कैसे सैंक्शन होता है, क्या प्रोसेस फीस होती है, इन सबसे बढ़िया सा जानता था, वो उसी का ही फायदा लेता था। सर, कितने लोग ये कॉल सेंटर चला रहे थे? इसमें कुल 18 लोग थे जो कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें 12 लड़कियां थी और 6 लोग थे। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जिस तरीके से फैक्ट्री में ऑफिस वगैरह लेते, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं की जाती? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं तो जो भी टेनेंट होता है वो अपना रिकॉर्ड देता है और मालिक को देता है, मालिक बता देता है कि हमारे यहाँ ये काम चल रहा है, लेकिन काम वो सही है या गलत है वो तो जब शिकायत आती है, जांच होती है, तभी पता चल पाता है। उससे पहले भी कई लोग पकड़े गए, कॉल सेंटर भी पकड़े गए, फर्जी LIC वगैरह भी कराते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मालिकों की बहुत बड़ी कमी पाई जा रही है, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? इस पर अभी तो ऐसा कोई कानून नहीं है, हम उनको ये देते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, को बताएं कौन है, और वो बताते भी हैं कि हमारे अकाउंट किराएदार पर है, लेकिन वो फिर क्या कर देता है ये उसको भी जानकारी नहीं होती है। ये तरीका क्या होता था, किस तरह से ये लोग मतलब लोगों से पैसा लेते थे? पैसा लेने जैसे जॉब का ऑफर दिया इन्होंने, लोन का ऑफर दिया, और सपोज कीजिए किसी को 3 लाख का लोन कर दिया, तब उससे मांगते थे कि तुम्हारा 50,000 रुपये तुम्हें प्रोसेस फीस देनी होगी। एक बार जो पैसा डाल देता था तो फिर ये तमाम खर्चे बताते थे कि ये खर्चा और है, इतना पैसा और डाल दो। तो जब एक बार आदमी का पैसा फंस जाता था तो वो सोचता था कि मैं और पैसे डाल दूं तो शायद मुझे मिल ही जाए, इस तरीके से फंसा लेते थे। चूरन जो बनाते थे कि कहीं से मंगाते थे, कैसे करते थे चूरन? ये कहते कि हम दिल्ली से खरीद के ले आते थे जो नॉर्मल चूरन है, यद्यपि हमने इसे टेस्ट नहीं किया कि पता नहीं इसमें क्या कंटेंट मिला हो, और इसी के नाम पर जो है ये कस्टमर बनाते थे। जब वो पे करते थे तो वो अकाउंट से, मोबाइल नंबर से सबसे जुड़ जाते थे और फिर उस डेटा का मिसयूज करते थे। सर, बरामदगी क्या क्या हुई है इनसे? बरामदगी इनसे हुई है जो 4 लैपटॉप हुए हैं, 18 मोबाइल हुए हैं इनसे, 2 हार्ड वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हुए हैं, कई सारी पासबुकें हैं, चेकबुकें हैं, 1,18,000 रुपये कैश है, ये सब।